पोकेमोन जर्नीज में स्टार्टिंग से ही हमें किसी चीज़ की कमी लगती है, और आपको भी पता है वो चीज़ क्या है। हाँ, पोके गर्ल्स। सो अब तक जितनी भी पोकेमोन सीरीज आई हैं, सब में एक पोके गर्ल तो होती ही थी, पर इतने सालों में अगर सबसे पॉपुलर पोके गर्ल्स की बात करें तो हमेशा दो ही पोके गर्ल्स का नाम आता है, जो है मिस्टी एंड सेरेना। और दोनों ही के फैंस हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते हैं कि कौन है आज की ट्रू लव। सो आज वीडियो में हम लोग कुछ पॉइंट्स कंपेयर करेंगे और पूरा अच्छे से निकालेंगे कि कौन है आज की ट्रू लव। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स रोल द इंट्रो। सो दोनों को कंपेयर हम लोग टोटल 5 पॉइंट्स पे करेंगे, और एंड में जिसके भी पॉइंट्स ज़्यादा होंगे वो जीत जाएगा। एंड वो 5 पॉइंट्स होंगे लुक्स एंड डिज़ाइन, यानी कौन ज़्यादा सुंदर है, डिवोशन फॉर एश, कौन एश के लिए ज़्यादा डिवोशन रखता है, स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स, किसके पोकेमॉन्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एशेज फीलिंग्स यानी कि एश ने किसके लिए ज़्यादा फीलिंग्स दिखाई हैं, एंड एट लास्ट योर ओपिनियन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो पॉइंट नंबर 1, लुक्स एंड डिज़ाइन। सो सबसे पहले बात करते हैं मिस्टी की। सो मिस्टी के लुक्स काफ़ी ध्यान में रख के बनाए गए हैं, और वो फर्स्ट पोके गर्ल थी तो उसको सुंदर बनाना तो पोकेमोन कंपनी को था ही था। एंड ऑरेंज हेयर का नया कंसेप्ट लुक्स वेरी गुड ऑन मिस्टी। एंड वैसे भी मिस्टी को ही सबसे ज़्यादा सीजन्स में दिखाया गया है, तो हम मिस्टी को सबसे ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, सेरेना से भी ज़्यादा। सो एट लास्ट हाँ, मिस्टी के लुक्स काफ़ी अच्छे हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू सेरेना। सो क्योंकि मिस्टी की डिज़ाइन कुछ 90s में बनी थी और सेरेना की काफ़ी ज़्यादा लेट, यानी मिस्टी सीज़न 1 में और सेरेना की सीज़न 17 में, तो तब तक हम सब जानते हैं डिज़ाइंस काफ़ी अच्छी हो गई थी एंड एनिमेशन भी। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो सेरेना के लुक्स बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि उसको जितना हो सके उतना क्यूट भी बनाने की कोशिश की गई है, और हाँ वो लोग सफल भी हो गए हैं। सो एट लास्ट भले ही बहुत थोड़े परसेंटेज से, बट सेरेना इज मोर प्रिटी देन मिस्टी एंड मोर गुड लुकिंग एज वेल। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच इज़ मोर डिवोशन फॉर एश। सो इस पॉइंट में मैं दोनों को ही एक एक पॉइंट दे रहा हूँ, क्योंकि दोनों के अंदर इतना डिवोशन है एश के लिए कि दोनों ही एक एक बार एश को मरने से बचा चुके हैं, लिटरली मरने से। सो एक बार जब एश पानी में गिर जाता है और बेहोश तक हो जाता है, तब उसके बचने का कोई चांस नहीं होता, बट मिस्टी अपनी लाइफ को रिस्क करके पानी में जंप कर जाती है और एश को ऊपर तक बचा के लाती है। अगर उस टाइम मिस्टी वहाँ ना होती तो एश शायद बच ना पाता। सो इस चीज़ के लिए मिस्टी को डिवोशन का पॉइंट तो मिलना ही चाहिए, लेकिन वहीं पर मिरर वर्ल्ड के एपिसोड में जहां हमें दो पोकेमोन के डायमेंशन दिखाए जाते हैं, वहां पर एश दो डायमेंशन के बीच में फंसने वाला था, और अगर एश वहां पर गिर जाता तो वो हमेशा दो डायमेंशंस के बीच में फंसा रह जाता, और उसमें वो 2-3 दिन में ही मर भी जाता, या शायद उसी टाइम, क्योंकि वहां पे ज़िंदा रहने की कोई फैसिलिटी ना होती। और दो डायमेंशन के बीच में फंसना कोई छोटी बात नहीं है, पर सेरेना वहीं पर होती है और एश को गिरने से बचा लेती है, और अगर एश वहां पर गिरता तो एश वहां भी कभी ना बच पाता, तो सेरेना को भी एक डिवोशन के लिए पॉइंट तो मिलना ही चाहिए। सो हाँ, दोनों के ही अंदर एश के लिए पूरा डिवोशन है, दोनों ही एश को एक एक बार मरने से बचा चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो है स्ट्रॉन्गर पोकेमॉन्स, एंड इसका आंसर सबको ही पता है, मिस्टी। सो अगर सेरेना के स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन्स की बात करें तो उन्हें ब्रेक्सेन या सिल्वियन में कोई भी एक ले सकते हैं, अगर एनिमे वाइज देखें तो ब्रेक्सेन, और अगर स्टैट्स वाइज देखें तो सिल्वियन। वहीं मिस्टी का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है गैराडोस, क्या पता सिल्वियन गैराडोस को हरा दे, बट मेगा गैराडोस के सामने जीतने का तो कोई चांस ही नहीं, और ब्रेक्सेन को तो भूल ही जाओ, और मे भी सिल्वियन मेगा गैराडोस को भी हरा दे, क्योंकि वो एक डार्क टाइप है और सिल्वियन के पास टाइप एडवांटेज है, बट ऐसा होने के बहुत कम चांसेस हैं। और अगर हरा भी दे तो भी सेरेना के जीतने का कोई चांस नहीं, क्योंकि मिस्टी के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स की भरमार है, वो अपने साइडक से ही क्या पता सबको हरा दे। भाई सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। सो हाँ, एट लास्ट अगर सेरेना का ब्रेक्सन भी डेल्फॉक्स बन जाए तो भी मिस्टी को हराना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मिस्टी के पास मेगा गैराडोस, साइडक, पोलीटोड, ड्यूगोंग, स्टारमी और ऐसे बहुत खतरनाक पोकेमॉन्स हैं। सो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स का पॉइंट तो जाता है मिस्टी को।
अब बात करते हैं ऐश की फीलिंग्स किसके लिए ज़्यादा हैं। और अगर ऐश ने दोनों के लिए काफ़ी बार अपनी फीलिंग्स दिखाई हैं, पर हम सबसे मेन पार्ट्स को देखने वाले हैं। सो अगर मिस्टी की बात करें तो एक ही चीज़ काफ़ी है ये बताने के लिए। आपको याद ही होगा, मिस्टी ने ऐश को बाय के टाइम उसको एक हैंकरचिप दिया था, और लिटरली ऐश वो हैंकरचिप हमेशा अपने पास रखता है और हमेशा उसका यूज़ भी करता है, यानी उसके अंदर मिस्टी के लिए फीलिंग्स ज़रूर है। और इसी तरह मिस्टी ऐश को एक बार एक फ़िशिंग रॉड का बेट भी दे चुकी है, वो भी ऐश यूज़ करता है और अभी तक, एंड वो किसी और को वो देता तक नहीं है। एक बार डॉन ने उससे वो बेट मांगा पर ऐश ने उससे लड़ाई कर ली पर दिया नहीं। इसका मतलब ऐश के अंदर मिस्टी के लिए फीलिंग्स है, एंड इसीलिए मिस्टी को एक पॉइंट जाता है। बट ऐश के अंदर सेरेना के लिए फीलिंग्स भी ज़रूर है, जैसे सेरेना को कई बार गिफ्ट्स देना, बहुत ज़्यादा बार उसके हाथ को पकड़ना, एंड इस वाले आर्मर शिपिंग मूवमेंट को तो कोई नहीं भूल सकता, उसको यहाँ तक कि डांस के लिए भी इनवाइट करना, सेरेना की किस के बाद उसको एक अच्छा एंड स्माइलिंग रिस्पॉन्स देना, एंड कई बार ब्लश भी करना, एंड ये सब मूवमेंट साबित करते हैं कि ऐश के अंदर सेरेना के लिए भी बहुत फीलिंग्स हैं। सो हाँ, ये वाला पॉइंट भी मिस्टी एंड सेरेना दोनों को ही जाता है। सो एट लास्ट दोनों के ही पास दो दो पॉइंट्स हैं, एंड लास्ट पॉइंट है योर ओपिनियन। सो आप सबको एक काम बस कर रहे हैं, आपको मेरी कम्युनिटी पोस्ट पे जाना है, एंड देन वहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, मिस्टी या सेरेना, आपको जो भी पसंद है उसे वोट कर देना है। सो जो जीतता है वही होगा इस वीडियो का विनर। सो अभी जाइए मेरे लोगो पर क्लिक करिए, एंड कम्युनिटी पर जाके अपनी फेवरेट पोकीगर्ल को वोट कीजिए, क्योंकि जो भी जीता वही होगा इस वीडियो का विनर। सो लेट्स सी मिस्टी जीतती है या सेरेना। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ यार इस वीडियो पे एक लाइक छोड़कर जाना, क्योंकि उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना और बाजू वाला घंटा भी दबा देना। अब मुझे नहीं पता आप सब्सक्राइब बटन पे थंडरबोल्ट करो या फ्लेम थ्रोवर, बस दब जाना चाहिए। इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर से फॉलो कर लेना, क्योंकि मेरे चैनल से जुड़ी अपडेट्स आपको वहाँ पर मिलती रहेंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो पोकेमोन मास्टर बनेगा कौन, क्या बनना चाहोगे? नंबर वन सब पोकेमोन।